आप सभी अभी एवरीडे स्माइल चैनल पर मैं सुधा सिंह आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज कढ़ाई चिकन बना रही हूँ, तो चलिए देखते हैं। 750 ग्राम करीब चिकन ले लिए हैं। इसे नमक और वाइट विनेगर के साथ अच्छी तरह से धो लिए हैं। अब इसमें 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। कश्मीरी रेड मिर्च इसमें डालेंगे कलर के लिए, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चिकन अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स हो गया है। करीब 200 ग्राम सरसों का तेल ले लिए हैं। आप चाहें तो तेल कम भी कर सकते हैं। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच के करीब जीरा और इसे तड़कने देते हैं और साथ में डाल देंगे 2 तेज़पत्ता छोटे आकार का, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 हरी इलायची जिसे तोड़ लिए हैं और 2 से 3 लौंग। तो जीरा को थोड़ा सा भुनने देते हैं, उसके बाद 1 खड़े मसाले भी डाल देंगे। खड़े मसाले डाल दिए हैं। अब इसमें डालते हैं 3 बड़े आकार के बारीक कटे हुए प्याज। अब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। सारे प्याज डाल दी हूँ। करीब 300 ग्राम प्याज था। अब इसे अच्छी तरह से चलाते हुए भूनेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें डाल देते हैं 1 छोटा आकार का प्याज और 1 टमाटर पीस लिए थे, पेस्ट डाल देते हैं और इसे भी अच्छी तरह से इसके साथ भून लेंगे। प्याज भून चुका है। अब इसमें डाल देते हैं कुछ सूखे मसाले। एक धनिया पाउडर है, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाल रहे हैं, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, 1/4 चम्मच गोल मिर्च पाउडर डालेंगे और अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं डालेंगे क्योंकि चिकन में हम तीखी मिर्ची और कश्मीरी लाल मिर्ची डाल चुके हैं, हल्दी भी डाल चुके हैं। अब इन मसालों के साथ प्याज को 2 मिनट और भून लेंगे। मसाले भी भून चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे ये चिकन। अब इन मसालों के साथ चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे भूनेंगे। अभी 2 मिनट इसे तेज आंच में भूनेंगे, उसके बाद इसे स्लीम आंच पर भून लेंगे। चिकन पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब गैस के फ्लेम को कम कर देंगे और इसे ढककर भूनेंगे। हर 1-1 मिनट में ढक्कन हटाकर इसे चला लेंगे। चिकन भून चुका है। अब यहाँ पे डाल देंगे चिकन मसाला। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, हम यहाँ एवरेस्ट का ले रहे हैं। 1 पैकेट यहाँ चिकन मसाला डाल देते हैं। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए चिकन का हड्डी जो है वो अलग हो रहा है, मांस छोड़ रहा है। ये चिकन हमारा तैयार हो गया है। और ज़्यादा नहीं भूनेंगे, नहीं तो ये कड़ा हो जाएगा चिकन। अब इसमें धनिया पत्ती डाल देते हैं। हम ड्राई चिकन बना रहे हैं। अगर आप ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं तो इसमें पानी थोड़ा डाल सकते हैं। चिकन हमारा तैयार हो गया है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।